अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर इज योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान की हूँ। तो आज आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा और अच्छे मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए होंगे। और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि यूट्यूब पे पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहले इस टेस्ट को सॉल्व कर लें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर पहले टेस्ट को डाउनलोड करें और फिर उसे सॉल्व करें। देन आप लोग जो है वो डिस्कशन को सुन सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन सुननी है तो आप लोग इस डिस्कशन को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो कि हमारे टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व था। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट, कि जब एटम अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हो सकता है। ए ऑप्शन थी इन द न्यूक्लियस, बी ऑप्शन द सेकंड शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, या फिर फारदेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। और जब मैं आप लोगों को यूनिट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करके हायर शेल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वहाँ से फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और फिर जो है वो नीचे वाले ऑर्बिट्स के अंदर आते हैं और अपने आप को जो है वो स्टेबल कर रहे होते हैं। तो जब भी एलिमेंट ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर होने से मुराद ये होता है कि वो अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। और स्टेबल फॉर्म किसी भी इलेक्ट्रॉन की तब होती है जब वो न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, हमने चैप्टर नंबर 6 का जो दूसरा टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जैसे ही हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है या फिर दो एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो ये केमिस्ट्री का बेसिक रूल है कि जिस चीज़ की एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पड़ा होगा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। जब वो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होगा, जब स्टेबल होगा तो वही उसकी जो है वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार ही आएगा, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास द डिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज शोन बाय, लाइक पहले कहा जाता था कि हमारे पास जो एटम है वो हमारे पास डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। लेकिन हमारे पास जे जे थॉमसन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो था वो डिस्कस किया था, और उनके ई ओवर एम वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करके हमें बताई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ के बारे में जो चीज़ हमें बताई थी वो हमारे पास जे जे थॉमसन साइंटिस्ट थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ रिड्यूस, कि हम लोगों ने प्रेशर को जो है वो रिड्यूस किया है, कम किया है, तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर होगा वो हमारे पास प्रोमिनेंट होगा। गैस क्लोज, तो हमने ये देखा था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जब हमारे पास प्रेशर को रिड्यूस किया जा रहा होता है तो हमारे पास गैस ग्लो होती है, गैस आयोनाइजेज। तो डिस्चार्ज ट्यूब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तब हमारे पास कैथोड से निकल के रेज जो थी वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास गैसेज भी आयनाइज हो रही थी। लेकिन वो कैथोड रे की डिस्कवरी के दौरान इस चीज़ को नहीं देखा गया था। फिर जब बाद में एनोड रे को डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त ये फिनोमिना पता चला था कि हमारे पास गैस का आयनाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, ये भी चीज़ हो रही होती है, और साथ ही साथ गैसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का कि गैसेज जो हैं वो रिड्यूस प्रेशर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही होती हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है वो हमारे पास है प्रोमिनेंट, कि इनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या हो रही होती है। तो वो जो हमारे पास प्रोमिनेंट वाली चीज़ होगी वो हमारे पास डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, के सबसे पहले हमारे पास डिस्चार्ज जो है वो टेक प्लेस होगा, उसके बाद हमारे पास जो वो गैसेज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद जब वो अपोजिट स्क्रीन के साथ जाकर टकराती हैं तो वहाँ पे गैस जो है वो ग्लो हो रही होती है। और साथ ही साथ जब यही कैथोड रेज जब गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर टकराती हैं तो उनको आयनाइज भी कर रही होती हैं। तो ये फिनोमिना सारे ही होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रोमिनेंट फैक्टर होगा वो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो हो रहा होता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गोल्डस्टोन डिस्कवर दैट बिसाइड द कैथोड रेज अनदर टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब विच आर कॉल्ड, तो गोल्डस्टोन ने जिन रेज को डिस्कवर किया था वो हमारे पास पॉजिटिव रेज थी, तो यहाँ पे हमारे पास चार ही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कॉन्स्टेंट इज, तो प्लांक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स यूनिट, लाइक कई बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं अल्फा ऑप्शन को, तो यहाँ लेकिन हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर आप लोगों को साथ में यूनिट्स भी गिवन हैं तो आप लोगों ने जो बेस्ट ऑप्शन चूज करना है वही करेंगे जिसके साथ यूनिट भी गिवन होंगे। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि एम डी कैट जो है
वो राइट ऑप्शन आप लोगों से डिमांड नहीं करता, वो आप लोगों से बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिमांड कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑप्शन चूज़ करनी है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन होगी, अलॉन्ग विद इट्स यूनिट जो है वो आप लोगों ने इसकी वैल्यू को स्पेसिफिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के रीजन कितने होंगे? आप लोगों ने 5 रीजन पढ़े हैं, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, और हमारे पास जो पर्सनल सीरीज है, हमारे पास 5 सीरीज़ या फिर रीजन जो है वो आप लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखें, द रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर, आप लोगों से किस चीज़ के रीजन पूछे गए हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम के पूछे गए हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो 5 होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड चेंज कर दिया गया, विजिबल स्पेक्ट्रम का रीजन एज सच एज कोई भी नहीं। वो बेसिकली हमारे पास अगर विजिबल रीजन होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम तो होते नहीं है। विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास हमें पता है कि वहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाली रेज जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता तो आप लोगों के पास राइट ऑप्शन जो थी वो 5 आनी थी। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एब्जॉर्बेंस और मिशन ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसीज कार्ड, ये इंफॉर्मेशन है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट आर डैश एनर्जेटिक देन वॉयलेट कलर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो रीजन होगा, विजिबल रीजन, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 7 तरह के कलर हमें देखने को मिले होते हैं। सबसे पहले हमारे पास वॉयलेट होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, देन हमारे पास ब्लू होगा, एंड देन हमारे पास ग्रीन, अगेन हमारे पास येलो आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑरेंज होता है, और सबसे लास्ट पे जो है वो हमारे पास रेड जो है वो आते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास फोटॉन्स ऑफ येलो लाइट आर डैश एनर्जेटिक देन वॉयलेट कलर, के हमारे पास जो फोटोन होंगे येलो लाइट के वो क्या होंगे? तो वो हमारे पास होंगे लेस एनर्जेटिक। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे जैसे हम लोग वॉयलेट से रेड की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, उसने एक येलो का पूछा और साथ में उसने वॉयलेट का पूछा है। तो जैसे जैसे हम लोग वॉयलेट से येलो की तरफ आते जाते हैं तो हमारे पास उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो हमारे पास कम होती जाएंगी, नीचे की तरफ एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होती जाती है, और साथ ही साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए एनर्जी कम होगी और उनकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, किस चीज़ के बारे में, एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो एनर्जी के हिसाब से हमारे पास वॉयलेट से येलो की तरफ, तो येलो की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कम होगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो लेस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, के लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो लेंथ का यूनिट हमारे पास एंगस्ट्रम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास एंगस्ट्रम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाइमन सीरीज ऑफ द विजिबल रीजन फॉल्स इन, के हमारे पास लाइमन सीरीज ऑफ विजिबल रीजन फॉल्स इन, के इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास, अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। अब कई बच्चों ने लाइमन सीरीज को देखा तो उन्होंने सीधा जो है वो अल्ट्रा वॉयलेट को क्लिक किया होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास विजिबल रीजन अगेन जो है वो उसने पूछ लिया। हमारे पास अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता तो आप लोग क्लिक कर सकते थे अल्ट्रा वॉयलेट, तो विजिबल रीजन तो लाइमन सीरीज और विजिबल रीजन तो होते क्यों नहीं है, सच एस टर्म ही नहीं है। तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े और फिर जो है वो आप लोगों ने ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी मैच्ड विथ, के हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके साथ मिलता होगा? तो एक बात याद रखें कि जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुआ करते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम हुआ करते हैं। तो हीलियम सेकंड एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होंगे और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। तो आप लोगों ने इन ऑप्शन में से देखना है कि किसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, सोडियम की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। अगर बेरीलियम की बात करते हैं तो ये हमारे पास फोर्थ मेंबर है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। लिथियम जो है वो हमारे पास 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंडिकेट करता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि पॉली प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा?
तो पॉली प्रिंसिपल यही है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल जो है वो कभी भी चार के चार वैल्यूज जो है वो सेम नहीं रख सकते। तो ये जो है वो एप्लीकेबल होगा टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल के लिए। मीन टू सेकंड का जो मोस्ट स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हमारे पास डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फिफ्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इट विल फॉल इन। मीन टू से कि जिसके अंदर आके गिरना है वो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर आकर गिरते हैं तो वो हमारे पास बाल्मर सीरीज होती है। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आकर गिरता है तो वो हमारे पास लाइमन सीरीज होनी थी। अगर वो थर्ड के अंदर आकर गिरता है तो वो हमारे पास पास्टन सीरीज, अगर फोर्थ के अंदर आकर गिरता है तो ब्रैकेट सीरीज, अगर फिफ्थ के अंदर आकर गिरता है तो उसको हम लोग पफन सीरीज का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स इज नाउन एज। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया कि वो हमारे पास जो है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन अ पी एक्स ऑर्बिटल इज, के हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन जितने भी पी के ऑर्बिटल हैं आप लोगों ने याद रखने हैं कि उसके अंदर एक ही होगा। लाइक मैंने आप लोगों को लेक्चर पढ़ाते हुए भी बताया था कि अगर पी एक्स की बात कर रहे हैं तो पी एक्स के अंदर नोडल प्लेन एक ही होगा। अगर वो आपसे रीजन पूछता है कि किस रीजन के अंदर होगा तो वो उसका जो नोडल प्लेन होगा वो हमारे पास वाई जी रीजन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर पी वाई के अंदर नोडल प्लेन पूछता है तो वो भी हमारे पास नोडल प्लेन जो है वो एक ही होगा, लेकिन होगा किस रीजन के अंदर, वो एक्स जी रीजन के अंदर होगा। और अगर पी जी की बात करेगा तो वहाँ पर भी एक ही नोडल प्लेन होगा, लेकिन किस रीजन के अंदर होगा वो हमारे पास एक्स वाई रीजन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो वन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपने बताना है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल द एटम्स, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं सबसे लास्ट प्रॉपर्टी की सबसे सेकेंड लास्ट लाइन है कि हमारे पास इट इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल एटम्स। उसके बाद द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मैस ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये बात ठीक नहीं है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे पास बेसिकली राइट ऑप्शन होगी। और इट इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ कैथोड रेज, तो ये भी हमारे पास जो है वो राइट ही स्टेटमेंट है। अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन वन हैज, कि एक न्यूट्रल एटम है और उसका एटॉमिक नंबर एक से ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पाई जा सकती हैं। तो आप लोगों ने याद रखनी है बात कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम के अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। सिर्फ एक हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का भी सिर्फ एक आइसोटोप जो कि प्रोटियम होता है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, अदरवाइज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मौजूद होते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, अगर प्रोटॉन भी मौजूद होंगे। अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन को एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन वन ना करता या फिर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू वन कर देता, तब आप लोगों का जो राइट ऑप्शन होना था वो अल्फा आना था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन जो कि अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि हम लोग एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन वन, मीन टू से कि हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होकर प्रोटॉन भी जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैथोड रेज, के कैथोड रेज मीन टू से कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमारे पास कौन सी बात जो है वो ठीक नहीं होगी। इज इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जी हाँ ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव विद द स्पीड सिमिलर दैट ऑफ लाइट। तो कैथोड रेज स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो ट्रैवल नहीं कर रही होती, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। इसके अलावा ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लोग इसको रख रहे होते हैं तो ये डाउनवर्ड जब मूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ द लेट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्या फिर ऐसी क्या वजह बनी कि न्यूट्रॉन को लेट डिस्कवर किया गया था। तो बेसिकली उसकी जो रीज़न थी वो उसकी चार्जलेस नेचर थी, कि हमारे पास न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं था, उन्हें पता नहीं लग रहा था जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गुजारते थे, तो उन्हें सिर्फ दो तरह की रेज, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव रेज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते थे, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इनसे उन दो चीज़ों की डिस्कवरी कर रहे थे, लेकिन जब ये चार्जलेस पार्टिकल थे इस रीज़न ये इसकी रीज़न बनी थी कि साइंटिस्ट को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं लग पाया इतनी देर तक कि इसके अंदर जो है ये भी हमारे पास जो है वो मौजूद हो सकता है। तो यही हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, एक्स ए जी, ये जो जी होता है नीचे की तरफ मीन टू से 89, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एटॉमिक नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर होंगे 89। और मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर
जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही हमारे पास है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 89 होंगे। आप लोगों ने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो एन इज इक्वल टू ए माइनस जे की मदद से आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकती हैं। तो ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे 231 है और जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास 89 है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 142 जो है वो देखने को मिलेगा। मीन टू से यहाँ पे हमारे पास 89, 142 और 89 वाला सीक्वेंस आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास जो है वो 40 ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 40 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एलिमेंट हैज एटोमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24, व्हाट डज द न्यूक्लियस कंटेन। तो यहाँ पे हमारे पास किस बच्चों ने जो है वो 40 ऑप्शन को भी सिलेक्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कीवर्ड क्या है वो हमारे पास बात करें न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ें मौजूद होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। मीन टू से कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन हमारे पास हैं वो मौजूद हैं। तो ऑप्शंस के अंदर देखें 11 प्रोटॉन किन के अंदर मौजूद हैं, तो बीटा ऑप्शन के अंदर 13 प्रोटॉन, ये भी गलत ऑप्शन होगी। सी के अंदर 11 प्रोटॉन है और डेल्टा के अंदर 13 प्रोटॉन, तो बी और डी तो निकल गए। और उसके बाद आप लोग सी ऑप्शन को इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि उसने न्यूक्लियस का पूछा है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन होगी। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगी कि इसके अंदर जो है हमारे पास 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 माइनस 11, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अल्फा ऑप्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 18 एंड 20। इलेक्ट्रॉन बताए हैं उसने, और यहाँ पे अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का पता है और आपको पता है कि न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मीन टू से कि आपके पास जी की वैल्यू गिवन है 18 और साथ में उसने न्यूट्रॉन बताया आपको 20 और मास नंबर मीन टू से ए पूछा है, तो ए दोनों को सम करेंगे 20 प्लस 18, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होंगे वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लोराइड आयन एंड पोटाशियम आयन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से मुराद है, कहता है कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। देयर साइज आर स्मॉल, के इनके सारी साइज हैं वो सेम, तो साइज सेम नहीं होंगे हमारे पास कैटाइन्स और एनाइन्स के, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम आयन इज रिलेटिवली बिगर, कि हमारे पास पोटाशियम आयन जो है वो बड़ा होगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास पे एक है पोटाशियम, पोटाशियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर होते हैं हमारे पास चार शेल, और चार शेल पहले मौजूद होते हैं चूंकि ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, इस वजह से इसके चार शेल जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल आ जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारे पास जो है वो चौथा शेल आ जाता है, और हम लोग कहते हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन मौजूद है, तो क्लोरीन की बात करेंगे, पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, इसके अंदर जो है वो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। अब दोनों को हमने बनाना है आयन हम लोगों ने, और जब हम लोगों ने आयन बनाना है तो आयन बनाने से मुराद क्या होगा कि पोटाशियम आयन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ सीमेंट हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास ये शेल का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। मीन टू से कि इसका जो है वो हमारे पास ये जो शेल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जब ये शेल ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को पोटाशियम का साइज़ पहले के मुकाबले में जो है वो कम देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर आप लोग इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 19 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, तो 19 जो प्रोटॉन है वो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खींचेंगे, तो इसकी वजह से पोटाशियम का साइज है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में पहले इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन जब पोटाशियम से आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर 8। मीन टू से कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 जो है वो प्रोटोन मौजूद हैं और टोटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं वो 18, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से अट्रैक्शन भी होती है, जिसकी वजह से इसका साइज है वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। तो आपके पास क्लोराइड साइज जो होगा वो बड़ा होगा और पोटाशियम का साइज है वो कम होगा, तो पोटाशियम आयन इज रिलेटिवली बिगर, ये भी ठीक ऑप्शन नहीं होगी। क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटाशियम आयन, यही आपके पास राइट ऑप्शन है। डेल्टा डिपेंड अपॉन द अदर कैटायन और एनायन, तो चूंकि यहाँ पे कोई दूसरा कैटायन या एनायन है ही नहीं तो दो की ही बात की जा रही है, तो इन्हीं के हिसाब से आपने चूज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मोशन, तो वेवलेंथ जो है वो हमारे पास जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है वेवलेंथ जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होती है, तो ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन है, उसकी मदद से आप लोग इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स पूछा है किसके अंदर, कहता है दैट कैन बी कम्यूटेटेड इन एन एटम, एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, और किस चीज़ से बताना है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन टू से कैन की वैल्यू दे दी गई 4। तो आप लोगों को मैंने रिलेशन बताया था कि अगर आप लोगों ने किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो सिंपली टू एन स्केयर जो है वो आप लोग लगाएंगे, एन की जगह पर यहाँ पे हम लोग 4 पुट करेंगे और उसका स्केयर लेंगे, तो 4 का स्केयर 16 इंटू 2 हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। अब अगेन हमारे पास एक रिलेशन है कि एक शेल के अंदर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, तो शेल के हिसाब से दो फार्मूला ही बताए थे, एक टू एन स्केयर था, दूसरा था हमारे पास एन स्केयर। जो टू एन स्केयर होता है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, और जो एन स्केयर होता है ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा, एन स्केयर की मदद से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास अगर नाइट्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो, तो कहता है इसका उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी 1s7, इट वुड हैव एनर्जी। कहता है अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s7 होती तो इसकी एनर्जी कम होती देन दैट ऑफ द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट, जो कि हम लोग लिख रहे होते हैं ना 1s2, 2s2, 2p3। तो कहता है इसके मुकाबले में इसकी एनर्जी कम होती अगर 1s7 होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक तो नहीं होते पहले शेल के अंदर अगर मौजूद होते, लेकिन 1s7 को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता, ये किस चीज़ को वायलेट कर रहा होता है। अल्फा ऑप्शन के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये तो हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हमें ये कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी को एट द सेम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हुंस रूल। हुंस रूल कहता क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हों तो हम लोग, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों, तो कहते हैं हम डिजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है वो पहले फिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 1s7 की बात है तो उसके अंदर तो हम लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते कि हमारे पास वहाँ पे ऑर्बिटल ही एक है, तो उस चीज़ के अंदर हम लोग हुंस रूल को नहीं डिस्कस कर रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही ये कहता है कि अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 1s का एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो उसने कहा था कि अगर एक ही ऑर्बिटल है तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर मौजूद वो कभी भी एक से ज़्यादा सेम क्वांटम नंबर की वैल्यूज है वो नहीं रख सकते। अब चूंकि यहाँ पे 1s7 है, मीन टू से कि एस ऑर्बिटल के अंदर ही वो 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा है, तो पहली बात तो ये कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम सपोज कर भी लेते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा अपोजिट स्पिन के साथ, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से अपोजिट स्पिन के साथ, तो जब हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं तो हमारे पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं वो सेम हो सकती है, मीन टू से इनका स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम हो सकता है, तो ये बात कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल उसने पूछा है कि इसके अंदर 4th एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल मीन टू से शेल के अंदर एन इज इक्वल टू 4, आपने बताने क्या कि उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने मौजूद हैं। तो सिंपली एन स्क्वायर की मदद से आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इनके वैल्यूज पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन इज 300 नैनोमीटर, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो हमें पता है कि हमारे पास सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही होता है, और एफ आपने कैलकुलेट करना है सी ओवर लैम्डा से, तो आपके पास सी जो है वो 3 × 10⁻⁸ होगी, और जो वेवलेंथ है वो कितनी है 300 नैनोमीटर, मीन टू से के 300 × 10⁻⁹, और अगर आप लोग इसको सिंपल करें तो ये 3 × 10⁻²⁻ होगी, तो 3 × 10⁻⁷ आ जाएगी, तो 3 × 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 × 8⁻⁷, तो ये हमारे पास 10⁻⁵ आएगा, लेकिन 3 से 3 कैंसिल, 1 × 10⁻⁵, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा।